नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट दो जातियों में, मुसलमानों को बैठ के बांट दो, मिले हुए लोग, विभाजनकारी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, विभाजनकारी के दिमाग में जहर भरा हुआ, अंग्रेजों के टट्टू तो आप लोग, अंग्रेजों के टट्टू आज भी आप लोग हैं जो यूरोप में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, इंग्लैंड में कौन जाके बोलता है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, भारत का लोकतंत्र खतरे में, यूरोप चुप है। फुल डिबेट में आपका स्वागत है। देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश को जातीयता के आधार पर उनके नाम पर बांटा गया और आज भी जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने देश में विभाजन के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार पर भी बिना नाम लिए विपक्ष को घेरा। सीएम योगी का वार हुआ तो विपक्ष ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा जाति के नाम पर बांटने का काम तो बीजेपी करती है और बाकी विपक्षी पार्टियां का भी कुछ ऐसा ही हमला बीजेपी पर हुआ। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता के साथ बीजेपी प्रवक्ता और एंकर के बीच हो गई जबरदस्त भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट, आइए देखते जाएगा। डॉली शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ का निशाना कांग्रेस पर था, कोई उन्होंने इनडायरेक्टली बात नहीं की बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्या कहना है आपका? देखिए, देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए और देश को एक रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया, जब अंग्रेजों ने हमेशा से, इनके नेता जो इनकी हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि इन लोगों ने अंग्रेजों की आर्मी में हिंदू लड़कों को भर्ती कराया। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का विद्रोह किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अंग्रेजों के साथ जाओ। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। ये बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कैसी थी या किसका क्या योगदान है। जिनका खुद का इतिहास अंग्रेजों के साथ मिले रहने का है, वो आज किसी को पाठ ना पढ़ाए। देश कैसे आजाद हुआ, देश का क्या हमारा इतिहास है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है अजय आलोक, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि गद्दारी विभीषिका स्मृति दिवस है आज। देखिए अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब पहली बार इस देश के स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं, कांग्रेस ने कभी याद नहीं करने दिया पिछले 75 साल। दूसरे प्रधानमंत्री बने नेहरू, तो नेहरू जी ने शपथ ली थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ब्रिटिश थ्रोन की शपथ ली थी उन्होंने, अपनी एलिजेंस, अपनी वफादारी, अपनी भक्ति इंग्लैंड के राजघराने के कुर्सी के प्रति, उस सिंहासन के प्रति दिखाई थी पहले शपथ में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये तो है गद्दारी की विभीषिका। ये किसको नहीं पता है इस देश में? मुस्लिम लीग जब चुनाव हुए थे 1945-1949 के, रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को चुनाव जिताया था। ये मुसलमान नहीं गए पाकिस्तान, सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान बनाने के यही लोग थे, कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। उसी वोट बैंक को आज तक तराश रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कभी भारत में बांग्लादेश बना रहे हैं, और खुल के बोलने की किसी को हिम्मत नहीं आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर, चुप, कोई एक शब्द नहीं। बंगाल में जो रेप हुआ, 4 दिन के बाद आज राहुल गांधी की आवाज निकली है कि न्याय होना चाहिए। क्यों, 4 दिन पहले न्याय नहीं होना चाहिए? वर्किंग डॉक्टर के रेप कर देते हैं, उस पर न्याय नहीं होना चाहिए? कानपुर में रेप कर दे समाजवादी पार्टी का नेता, उस पर रेप नहीं होना चाहिए? अयोध्या में रेप कर दे इनके अवधेश प्रसाद का विश्वस्त सहयोगी, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चुप लगा जाएंगे, मुंह पर टेप फेविकॉल लगा लेंगे। ये है विभाषण की विभीषिका, जिसको हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आज का दिन कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर जल रहा है, लड़कियों को लंगड़ा घुमाया जा रहा है, आप कहाँ थे 4 दिन के बाद? मणिपुर जल रहा है, कहाँ हो मणिपुर? 200 दिन से जल रहा है जी, कहाँ हो, क्या हो रहा है मणिपुर में? याद नहीं आएगा, कानपुर याद नहीं आएगा, बंगाल याद नहीं आएगा? क्यों नहीं बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? हम तो सबके लिए बोल रहे हैं। दोहरा चरित्र, गांव में दो मुंह होती है, दुमाई साउथ को अलग कर दो, दो मुंह नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट दो जातियों में, मुसलमानों को बैठ के पाल के मिले हुए लोग, विभाजनकारी विभाजनकारी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, विभाजनकारी दिमाग में जहर भरा हुआ, अंग्रेजों के टट्टू तो आप लोग, अंग्रेजों के टट्टू आज भी आप लोग हैं जो यूरोप में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, इंग्लैंड में कौन जाके बोलता है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, भारत का लोकतंत्र खतरे में, यूरोप चुप है? अरे बीच में बोलिए, आपकी क्या, आपकी के नेता के बोल याद दिला रहा हूँ मैं, अदेश भी है जो 12 साल जेल में है, अदेश जानता भी है, क्यों करेंगे परिवार हिंदुओं से क्यों लगाओ रहेगा, हिंदू है जो कहे हिंदू से लगाओ, ठीक है जो है यहाँ बैठकर झूठ मत परोसो, बीच में बोल रही है, सच्चाई जान, ये तो मेरा टर्न था ना अनुराग जी,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल दोनों का टर्म अभी के लिए खत्म। अब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। वारिस पठान साहब हमारे साथ थे, घनश्याम तिवारी का भी मैं रुक करता हूँ, लेकिन उससे पहले वारिस पठान साहब के पास रुक करूंगा। और चुप होकर बैठे रहते हो। ठीक है डॉली जी, देश को तोड़ने में आप लोग कहीं से पीछे रहे। पहले मेरी बात का जवाब दो। पाकिस्तान से हमें बहुत अच्छी दोस्ती का बल्कि बहुत जोर बीच में नहीं। गलत है अनुराग भाई, ये गलत बात है। बीच में नहीं, आप मुझे ऐसे हटा देंगे? गलत बात है। नहीं नहीं, मैंने आपको हटाया नहीं, मैं आपको लाऊंगा। और भी मेहमान है, वारिस पठान साहब और भी मेहमान है। मैं कहता हूं आपके पास जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आप दो पहले, मैंने आपको नहीं हटाया। कहां हटाया? अगर हटा दिया होता तो आप बोल कैसे रहे हो? पहले जेल में नहीं है। अजय आलोक मेरी बात का जवाब दे दे। पहले मैंने बोल दिया, मेरी बात का जवाब दो। देख साहब, आप मजा आया ना? अरे आपस में मत लड़िए। अच्छा अच्छा अच्छा, वारिस पठान अब आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। जालू जैसे उन्होंने कहा, नहीं नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलने देंगे? पूछेंगे भाई डिबेट को, कांग्रेस नहीं बोलने दे रही है, बाकी को समाजवादी पार्टी नहीं बोलने देगी। पहले बात का जवाब, आज चार दिन के बाद, आज चार दिन के बाद राहुल गांधी के बोल निकले हैं, कल से पीएम सिंह को नहीं बोलने देगी। एक से एक हो गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने मणिपुर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर है, जरा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से पूछिए राहुल गांधी किस जाति के हैं। अरे जाति कहाँ से लाएंगे जब हिंदू नहीं है तो? प्रधानमंत्री, जाति होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। खड़ा है कि नहीं खड़ा है बताओ, जवाब दो। राहुल गांधी, राहुल जी की जाति मत पूछिए, घनश्याम तिवारी हिंदू है। राहुल गांधी, रामकृपाल जी बड़े निराश नजर आ रहे हैं आप कुछ लोगों की बातें सुनकर। डॉली शर्मा जी, गिरिराज सिंह ने बात तो योगी आदित्यनाथ वाली कही है, पर जरा घुमा के कही है। उन्होंने कहा है कि नेहरू को पीएम बनाना ही गलती थी। ये आज कुछ भी कहे, क्योंकि देखिए अनुराग मुस्कान जी, मैं पहली बार बड़ा दुख होता है मुझे कि देश की आजादी की का जश्न मनाने की बजाय ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में आजादी का जश्न मनाने का दिन है। ये बहुत लोगों की कुर्बानी इस आजादी में गई है, बहुत लोगों ने अपनी समाजवादी पार्टी कर रही है, कहीं पीने की बात करते हैं, कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जाति को नाम से बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, नहीं रोहित अग्रवाल जी है, रोहित अग्रवाल जी अजय आलोक तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं। चांस और आपको, आप वारिस पठान को इंडिया गठबंधन में हिस्सा भी नहीं बनाती है अपना। जब बात आती है वारिस पठान को अपने साथ लेने की, तब आप उनको बाहर कर देती है इंडिया गठबंधन से। अनुराग जी, आप इनको बोलेंगे? अच्छा रोहित जी सुन लीजिए, डॉली जी को सुन लीजिए, आप अपनी बारी में बता दीजिएगा। अनुराग जी आप इनको बोलेंगे? बोल दिया, बोल दिया, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप वारिस भाई बैठे हैं, आप पूछिए ना इनसे क्या। अच्छा मैं पूछता हूँ, पूछता हूँ, इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं हिस्सा दिया आपने वारिस पठान को? रोहित जी आप जवाब देना पड़ेगा ना, देश की जनता पूछ रही है। अरे आप मुसलमानों का वोट चाहिए, रोहित जी मुसलमानों के नाम आप दूसरे का टाइम भी खाते हैं, अपने भी बोलते हैं, आप मुसलमान को हक नहीं देना चाहते, इसको बांटने का काम आप लोग कर रहे हो यहाँ पर बैठे। ठीक है डॉली जी, आप बोले लीजिए, आपका सवाल, आपका सवाल होगा। की बातें यहाँ कर रहे हो, कभी AIMIM को छूत बना दोगे, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है डॉली शर्मा जी। ये तो एक्सपोज होना चाहिए ना, देश की जनता को समझना चाहिए कि भैया वारिस पठान में ऐसी कौन से कील काटे जुड़े हुए हैं जो आप उनको उनको इंडिया गठबंधन में आपने नहीं लिया। ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा, देश की जनता पूछेगी ना आपसे, आपसे पूछेगी कि जातियों के नाम पे पीडीए पीडीए चिल्लाते चिल्लाते P4 पांडे जी कैसे हुआ, माता प्रसाद पांडे कैसे बन गए सदन। चलिए उसका घनश्याम तिवारी जी से जवाब लेंगे, अभी डॉली जी से जो पूछा है उनको जवाब देने दीजिए। डॉली जी बोलिए। रोहित जी इन्हीं को बोल लेने दीजिए, रोहित जी को ही बोल लेने दीजिए, अनुराग जी कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी टर्म में बोलेंगे, हमारे भी बोलेंगे। वारिस भाई हंस रहे हैं, वारिस भाई को लाता हूं, मैं वारिस भाई को लाता हूं, आपका सवाल रोहित जी वारिस जी से पूछूंगा, मैं भी लाता हूं। अरे आप चुप हो जाइए, दूसरे को बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैडम आप ही ने कहा इन्हीं को बोलने दीजिए, तो मैं बोलने शुरू किया, नहीं ये मैं तय करूंगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं डॉली जी बोलिए, डॉली जी बोलिए, साइड कर दीजिए मैडम, मैं बोल सकता हूं। इनको बोलने दीजिए, बोलिए डॉली जी बोलिए। हाँ तो बोलिए ना, बोलते रहिए, बोलते रहिए। तो आप जवाब कब देंगी? देश की जनता देश देख रहा है कि आजादी का जश्न मनाने की बजाय देश के बहुत सारे अनगिनत शहीदों का शहीद। अच्छा आप दोनों एक दूसरे को बोलने देंगे? घनश्याम तिवारी जी को ले आता हूँ, घनश्याम तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, परिवार हो जाता है, और सवाल रोहित जी आप पर भी उठा रहे हैं, सवाल उन्होंने आपसे भी पूछा। अरे कुछ नहीं आता आप लोगों को देश में बांटने के अलावा, कुछ नहीं आता आप लोगों को मुद्दों से भटकाने के अलावा, कुछ नहीं आता आप लोगों को देश को बांटने के अलावा, हिंदू मुस्लिम धर्म जात, हिंदू मुस्लिम धर्म जात। ठीक है रोहित जी शांत हो जाइए, रोहित जी शांत हो जाइए। घनश्याम तिवारी जी सुनेगी,
आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा तो आप जवाब ले लेते ना, आपने आपने वारिस पठान से सवाल पूछा, डॉली शर्मा से सवाल पूछा, घनश्याम तिवारी से सवाल पूछा। तो साथियों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बयान दिया। बयान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि बंटवारे के समय 1947 में जो पाकिस्तान में हुआ था वही सब अब बांग्लादेश में हो रहा है। यह वही बांग्लादेश है जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। इसके साथ ही सीएम योगी बोले कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय हो जाएगा या फिर उसका अंत हो जाएगा। सीएम योगी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।